हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, वो जमाना गया जब दुबई को तेल की खोज के लिए जाना जाता था, क्योंकि इस जगह ने अपना नाम आर्किटेक्चर की फील्ड में बना लिया है। तभी तो रेत से भरे इस जगह को इतना शानदार बना दिया गया है कि आपको हर तरह की नायाब बिल्डिंग्स यहां से देखने को मिल जाएंगी। यहां तक कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी यहीं पर है। पर ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आने वाले समय में दुबई में ऐसे शानदार मेगा प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार हो रहे हैं जिन्हें देखकर लोग हक्के बक्के हो जाएंगे। अब वो प्रोजेक्ट्स क्या है और उनमें क्या खासियत है, इसे जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो फिर वीडियो शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। अंडर वाटर रेल नेटवर्क। दोस्तों, दुबई हमेशा से ही अपने नए इनोवेटिव आइडियाज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर इतनी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। अब जैसे कि आप दुबई का अंडर वाटर रेल नेटवर्क ही देख लीजिए, जिसके बारे में सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनोखी बात तो ये है कि ये रेल नेटवर्क दुबई के फुजैरा से हमारे इंडिया के मुंबई तक आएगा और इन दोनों शहरों की दूरी लगभग 1830 किलोमीटर है। लेकिन इतनी लंबी यात्रा बस कुछ ही समय में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरी कर ली जाएगी। ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक रिपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको इतना तेज बनाती है कि इसीलिए पानी में भी इसकी स्पीड का कोई जवाब नहीं है। और इस अनोखी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुबई से हमारे भारत तक भारी मात्रा में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होगा, जिससे न सिर्फ हमें सस्ते दरों पर तेल मिल पाएगा बल्कि और भी चीजों का फायदा होगा। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो ये अंडर वाटर रेल नेटवर्क हमारे भारत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। डायनेमिक टावर। अब दोस्तों, आप दुनिया में शुरू होने वाले इस शानदार प्रोजेक्ट के बारे में सुन लीजिए, जो कुछ और नहीं बल्कि दुनिया का पहला रोटेटिंग स्काई स्क्रैपर होगा, जिसके अंदर मौजूद सभी फ्लोर अपने आप ही रोटेट होंगे। हालांकि ये सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन दुबई जैसी जगह पर कुछ भी पॉसिबल है। इसे आर्किटेक्चर डेविड फिशर डिजाइन कह रहे हैं, जहां इन्होंने सन 2018 में ही अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी ये प्रैक्टिकल रूप से शुरू नहीं करा गया है। अभी हमें देखना यह है कि कब शानदार स्काई स्क्रैपर का निर्माण शुरू होता है और कब हम इसे देख पाते हैं। वैसे आप हमें नीचे कमेंट करके ये बताना ना भूलिए कि क्या आप इस शानदार स्काई स्क्रैपर को देखना पसंद करेंगे। दुबई ग्रीक टावर। दोस्तों, आप लोगों ने बुर्ज खलीफा के बारे में तो सुना ही होगा, ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। लेकिन दुबई उससे भी नहीं माना, अब उसको बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत चाहिए। तभी तो दुबई ग्रीक टावर को तैयार किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 928 मीटर होगी, यानी कि बुर्ज खलीफा से 100 मीटर ज्यादा। इस अनोखे टावर का निर्माण $1 बिलियन की कीमत से किया जा रहा है। इस टावर को स्पेनिश इंजीनियर के द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसके अंदर कुछ ऐसे केबिन बनाए जाएंगे जिसकी मदद से पूरे दुबई का 360 डिग्री का नजारा आराम से देखा जा सकता है। इस अनोखे टावर का निर्माण सन 2016 में शुरू हुआ था और इसके दुबई एक्सपोर्ट सन 2021 में पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इस अनोखे टावर में करीब 210 फ्लोर्स होंगे और इसके नीचे एक कॉम्प्लेक्स दुबई हार्बर का निर्माण भी किया जा रहा है। ये अनोखी इमारत एक टावर की तरह बनाई जाएगी, जिसे नीचे से मजबूत बेस दिया जाएगा ताकि ये पूरी तरह से मजबूती से खड़ी रहे और वक्त आने पर अगर जरूरत पड़े तो इसकी लंबाई को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। दुबई कैनल एक्सटेंशन। ये दुबई का इस टाइम का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को और भी जगह प्रवाहित करने के लिए बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट दुबई कैनाल को और भी ज्यादा लंबा बनाने के मकसद से शुरू किया गया है। इस जगह पर साइकिल चलाने के साथ साथ पैदल चलने के लिए भी बहुत ही शानदार रास्ते बनाए गए हैं और इस नहर की खुदाई में जितनी ज्यादा मिट्टी निकलेगी उसे बुर्ज अल अरब के पास एक और मैन मेड आईलैंड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी नहर की जगह पर एक बेहद ही विशाल ब्रिज बनाया जाएगा, जो कि दुबई के सबसे शानदार ब्रिजेस में से एक होगा। और इसे इस तरह से डिजाइन किया जाएगा ताकि इसके नीचे से 20 मीटर लंबे याच आसानी से गुजर जाएं। और ऐसा करना जरूरी भी है, तभी तो दुबई में रहने वाले रॉयल फैमिली के लोग अपनी महंगी महंगी याच इस ब्रिज के नीचे से निकाल पाएंगे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। अब आप हाल ही में बनकर तैयार होने वाले इस फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम के बारे में सुनिए, जिसको वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम बनवा रहे हैं। ये म्यूजियम पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक दुनिया को टारगेट करेगा, जहाँ पर आपको ये म्यूजियम एक अलग दुनिया में ले जाएगा। ये जगह अपने आप में एक अजूबा होने वाली है, जो जुलाई सन 2021 में हम सभी के सामने बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, ये म्यूजियम तीन चीजों पर काम करेगा। पहला ये कि रोबोट और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी इंसानी दिमाग को कैसे इम्प्रूव कर सकती है। दूसरा ये कि रोबोट और ह्यूमन का आपस का रिलेशन किस तरह से बिल्ड होगा। और अंत में जिस तीसरी चीज पर ये फोकस करेगा वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के बाद
मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या इफेक्ट आने वाला है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि इस जगह पर पूरी तरह से रोबोट पर रिसर्च की जाएगी कि किस तरह ये हमें हमारे फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं और हमें ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि शायद इस तरह की थीम कोई देश सोच पाया होगा जो दुबई में बस कुछ ही समय में बनकर तैयार होने वाली है। और तो और इसमें काम करने का तरीका तो और भी ज्यादा अनोखा है। उसके साथ साथ ये जगह भी बाहर से देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं। ब्लू वाटर आइलैंड। दोस्तों, ये आइलैंड दुबई में एक मैन मेड आइलैंड है जिसके अंदर दुनिया का सबसे विशाल ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। और इस आइलैंड में ऑब्जर्वेशन व्हील के साथ साथ रिटेल शॉप्स, रेजिडेंशियल एरियाज, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट जोन भी मौजूद है, जो आने वाले समय में इसे दुनिया के सबसे विशाल टूरिस्ट हॉटस्पॉट में से एक बनाएगा। क्योंकि हर एक टूरिस्ट एक ऐसी जगह पर जाना पसंद करेगा जहां पर तमाम फैसिलिटीज मौजूद हों, और ये बिल्कुल वैसी जगह है। और इस आइलैंड को शेख जायद रोड से जोड़ने के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसके जरिए टूरिस्ट इस आइलैंड तक आसानी से पहुंच सकें। और उसके साथ यहां पर मोनो रेल सिस्टम भी तैयार किया गया है। और दोस्तों, ये आइलैंड सबसे ज्यादा अपने शॉपिंग सेंटर के लिए जाना जाता है, जहां पर मौजूद रिटेल शॉप्स बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं और भारी मात्रा में टूरिस्ट इस जगह पर घूमने के साथ साथ शॉपिंग करने के लिए भी आते हैं। अलादीन सिटी। दोस्तों, अगर आप एक बेहद ही शानदार जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर आपको मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ साथ एंशियंट स्टाइल भी मिले, तो फिर हम आपको बता दें कि वो दिन दूर नहीं, क्योंकि दुबई में एक बेहद ही शानदार जगह बन रही है जो अलादीन सिटी के नाम से जानी जाएगी। जी हाँ, नाम सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारी फेवरेट कहानी अलादीन से इंस्पायर है। ये एक्सपोर्ट सन 2020 में शामिल है और ये एक ऐसी जगह है जो किसी को भी अपनी तरफ आने के लिए आकर्षित करेगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसकी खूबसूरती होगी, क्योंकि ये जगह आने वाले समय में एक बेहद ही एडवांस जगह होगी जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अलादीन के चिराग के स्ट्रक्चर में बनाई जाएंगी, जिसका बाहर का कलर गोल्डन होगा, जो कि इसे एक अलग ही रूप देगा। उसके साथ ही ये पूरा प्लांट 4000 एकड़ में बनाया जाएगा, जिसके अंदर होटल से लेकर रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल तक की सभी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। ऑल टोटल जब ये बनकर तैयार होगी तो यहाँ आने वालों की भीड़ साल के 12 महीने लगी रहेगी। ज्वेल ऑफ द क्रीक। दोस्तों, ये शानदार प्रोजेक्ट दुबई के लैंडमार्क में से एक बनने के लिए तैयार है। वैसे तो दुबई में तैयार किए जाने वाले सभी प्रोजेक्ट शानदार होते हैं, लेकिन इसकी बात कुछ अलग ही है। इस अनोखी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर ऐसा है जो समुद्र की लहरों को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि इसे ऐसा बनाया जाएगा कि ये समुद्र की लहरों जैसा दिखाई देगा, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही अद्भुत बात है। इस जगह पर बहुत से 5-स्टार होटल्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और ऑफिस बिल्डिंग बनाई जाएंगी। उसके साथ ही वाटर फिल्ड रेस्टोरेंट होंगे, जिसमें खाना खाते वक्त आप समुद्र का शानदार नजारा देख सकते हैं। यानी कि दुबई पूरी तरह से एक टूरिस्ट हब बनना चाहता है, तभी तो वो इतने शानदार प्रोजेक्ट को लगातार तैयार करता रहता है। क्योंकि इस जगह पर पाया जाने वाला स्विमिंग पूल दुनिया का सबसे लंबा स्विमिंग पूल कहा जा रहा है। जब ये शानदार प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, तब इसकी खूबसूरती किसी का भी मन मोह लेगी। दुबई फ्रेम। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पिक्चर फ्रेम की, क्योंकि ये पिक्चर फ्रेम जो दुबई में स्थित है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पिक्चर फ्रेम है, जिसे दुबई की गवर्नमेंट ने ये सोचकर बनाया है कि उन्हें अपने यहाँ कुछ अलग लैंडमार्क मिल सके। और फिर जाकर उसकी तलाश खत्म हुई इस शानदार पिक्चर फ्रेम पर, जो करीब 500 फुट ऊंचा है, जिसे ग्लास, एल्युमिनियम और कंक्रीट से बनाया गया है। और इस पिक्चर फ्रेम की सबसे शानदार बात यह है कि इसके एक तरफ से आपको बुर्ज खलीफा दिखेगा, तो दूसरी तरफ से आपको जबील पार्क। यहां आपको एलिवेटर की मदद से इस फ्रेम के टॉप पर ले जाया जाता है, जहां से आपको पूरे शहर का 360 डिग्री का नजारा दिखाई देता है। और दुबई के इस शानदार नजारे को देखने के लिए लाखों की संख्या में सैलानी इस जगह पर आते हैं। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो जुलाई सन 2018 से अब तक इस जगह पर 2 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रहे हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।